और कहाँ पर जा रहे हैं वो मैं इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट व्लॉग नहीं देखोगे। थर्सडे का दिन है और हम लोग आए हैं मॉल में और ये देखिए इतनी भीड़ है कि गाड़ी रखने में हमको आधा घंटा लग गया। बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीकडे है ये सोचकर हम लोग आए थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट वैसा नहीं हुआ। आई थिंक सभी लोग आजकल यही सोच के वीकडे पर आते हैं। तो एनीवे हम लोग अंदर गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, उसके बाद ये हम लोग खा रहे हैं डोनट्स जो कि बहुत फेवरेट है हमारे। कैसा है? गरम होगा अभी यार। बढ़िया है, नहीं है गरम, खा ले। नहीं है ज़्यादा गरम। और ये देखिए मॉल में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से डेकोर किया हुआ ही होता है, जो भी अगर कोई फेस्टिवल आने वाला होता है या जो भी अभी क्या है, आई डोंट नो क्यों ये बना के रखा है यहाँ पे, बट चलता रहता है कुछ ना कुछ यहाँ पे। पूछ ले क्या अपन किसी से कि है क्या यहाँ पे? चलो निकल गए हम लोग मॉल से और ज़्यादा कुछ लिया नहीं। मेरे तेरा तो कुछ ले ही नहीं पाया, टी शर्ट एंड ऑल जो भी लेना था है ना। मन नहीं कर रहा था पता नहीं यहाँ से लेने का, मतलब हर जगह एक जैसा ही लगता है। स्टैंड अलोन दुकानें ढूंढेंगे जरा जो। हाँ यस। चलो गाड़ी कहाँ लग बोरी, चलो घर जाके मिलते हैं। और मैंने क्या लिया है वो घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि तीन चार चीज़ें ही ली है मैंने ली है। और ये हंस क्यों रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली हम लोग आज आए थे इसकी शॉपिंग करवाने के लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं लिया है, जो लिया है मेरे लिए लिया है, इसलिए हंस रहा है नहीं ना? और बोला ये था कि अब बिल्कुल रात को 11 बजे घर जाना है, सब कुछ खा के सब यहाँ पे जाएंगे और पता नहीं कितनी शॉपिंग। वैसे ये होता ही है जब भी सोच के जाओ ना कि बहुत कुछ लेंगे नॉन, तो ऐसे ही हो जाता है। चलो फटाफट घर चलते हैं, फिर मिलते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और आज फ्राइडे है एंड अभी बस थोड़ा बहुत सुबह का जो काम है वो कंप्लीट करती हूँ, फिर आज हम लोग दोनों घर से ही काम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है तो वर्क फ्रॉम होम है, बस वो फटाफट करते हैं और तो बस देखते हैं आगे क्या करना है। थोड़ा सा पैकिंग एंड ऑल करना है क्योंकि हम लोग भी ट्रिप पर जा रहे हैं तीन चार दिन के लिए, चार पाँच दिन के लिए, और हम लोग को नेक्स्ट सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो इसलिए अभी जो कल परसों का जो वीकेंड है वहीं पे मतलब वही टाइम हमारे पास है जिस पर हम पैकिंग एंड ऑल कर सकते हैं, सो दैट बाकी फिर वीकडे में अगर टाइम नहीं भी मिला तो हम लोग सब कुछ हमारा सेट रहेगा। और कहाँ पर जा रहे हैं वो मैं इस व्लॉग में नहीं बताऊँगी, अदरवाइज़ आप लोग नेक्स्ट व्लॉग नहीं देखोगे। तो मे बी नेक्स्ट व्लॉग शायद से वही होगा जब हम लोग जा रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उसके नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसके बाद, उसमें तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आई मीन एक दो कुछ मुझे टी शर्ट लेने थे वो लिए हैं और आई थिंक बस मंदार के लिए शायद कुछ टी शर्ट्स एंड ऑल उसको लेना है, तो वो भी हम लोग कल ही जाएंगे, या अगर आज टाइम मिला तो आज चले जाएंगे। ऑल्सो मैंने अपने YouTube चैनल पर कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। और मैं हर वीडियो के एंड में ये बोलती हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी जो है कम्युनिकेशन वो वन वे है। आई मीन मैं जो भी बोल रही हूँ वीडियो के थ्रू वो आप लोग सब सुन रहे हो, बट आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ भी रहे हैं या फिर मैं ज़्यादा बोर तो नहीं करती हूँ। एनी विच वेज जो भी है आपका फीडबैक वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल्सो अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, अगर मैं वो वीडियो बना पाई मैं ट्राई ज़रूर करूँगी तो वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। बस बहुत हो गया बोलना, तो अभी फटाफट मैं चाय बनाती हूँ
और जो मेरा सुबह का रूटीन है, जो मैं वो चिया सीड्स एंड फ्लेक्सीड्स पाउडर एंड ऑल वो सब लेती हूँ, वो सब करती हूँ। उसके बाद लंच में देखते हैं क्या बनाएंगे और फिर बस ऑफिस चालू करते हैं आज का। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आजकल कि ना, मतलब खाने में क्या बनाऊँ वो भी समझ में नहीं आता है, क्या खाना है, भूख लग भी रही है नहीं भी लग रही है, तो बहुत ही मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है अभी। और दोपहर हो गई है, हम लोग का लंच हो गया है, हम लोगों ने आज दाल राइस खाया और अभी लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी भूख लग रही है बट समझ में आ रहे हैं। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी तो मार्च भी नहीं स्टार्ट हुआ है, पता नहीं अप्रैल मई में क्या होगा। तो ये जो धूप आप लोग देख रहे हो अभी यहाँ पर आ रही है ना, ये पूरी यहाँ तक आती है और अंदर आने लगती है, तो पेड़ भी सब ना सूखते जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन सबको ना इस लाइन में लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप थोड़ी कम आती है, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरा यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा धूप आती है। ये देखो, ये भी मैंने कॉर्नर में रखा था बट इसके ऊपर भी इतनी धूप लगी है। धूप लगने की वजह से ही ये जो सब येलो येलो दिख रहा है ना पत्ते, ये ऐसे हो गए। एनीवे, इनको सबको मैं सेट करती हूँ, थोड़ा पानी एंड ऑल इनको दे देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे हम लोग को प्यास लगती है वैसे इनको भी प्यास लगती होगी बेचारों को। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आई थिंक बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बैठ के और व्लॉग बना रही हूँ, बोल रही हूँ मतलब वीडियो में। तो आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है पुणे में। और अभी तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब मार्च अप्रैल मई में पता नहीं क्या होगा, अभी से ही ऐसी हालत है फेब में ही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है ऐसा लग रहा है। ठंड तो इतनी आई नहीं इस साल बट शायद गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई तो ज़्यादा होगी। और हम बस यही है, जैसा मैंने आपको बताया ट्रिप पे जाने वाले हैं, वहाँ भी गर्मी तो होगी बट इट्स ओके, अभी जो टाइम सूट किया और जब सब कुछ प्लान हुआ तब जा रहे हैं। तो पैकिंग कल करूँगी मैं, अगर हुआ तो शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और जैसा कि थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है अभी मैंने आपको बताया, तो हम लोगों का प्लान तो है कि हम लोग मॉल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट देखते हैं अभी जैसा भी कुछ मूड होगा, क्योंकि मेनली तो मंदार को ही लेना है, मेरे लिए जो लेना था वो हम लेकर आ गए हैं ऑलरेडी, तो अभी उसका जो भी उसको चाहिए होगा वो लेके आएंगे। एंड बस यही अपडेट है अभी। और आज हम लोग ऑफिस नहीं गए हैं तो घर से ही काम चल रहा है, अभी मैंने ब्रेक लिया है 5-10 मिनट का, उसके बाद आई विल गो बैक टू वर्क। और हम लोग जैसा मैंने बोला हम लोग मॉल गए थे उस दिन, आपने वो क्लिपिंग अगर देखा होगा तो मेरे लिए हम लोग जो लेकर आए मैं वो आपको, तो ये एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ मैं, ये मैंने मिनीसो से लिया है, ऐसा है कलर इसका, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसका कलर लगा और इसका शेप भी बहुत अच्छा लगा, क्यूट था। और इस शेप का मेरे पास कोई स्लिंग बैग है भी नहीं, सारे स्क्वायर और वो जो टिपिकल जो शेप होते हैं वैसे ही है, तो ये ऐसा है और ऐसा इसका बेल्ट है, ये मुझे बहुत ही क्लासिक लगा। कलर भी ऐसा है कि हर किसी आउटफिट के साथ आप इसको ले सकते हो। और बैग का पैटर्न भी ऐसा है कि मतलब वेस्टर्न के साथ भी जाएगा और अगर आपने कुछ ट्रेडिशनल पहना है तो उसके साथ भी जाएगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग मतलब बिलिंग करा के, बिलिंग हो रही थी एक्चुअली, तो मंदार पे एंड ऑल कर रहा था तब मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, तो मतलब हम लोग बिल करवा चुके थे उसके बाद में मुझे ये दिखा और फिर हम लोगों ने फिर से बिलिंग करवाई और ये लिया, क्योंकि आई लाइक इट वेरी मच। दूसरी चीज़ मैंने एक ये स्लीपर्स ली है, बहुत ही क्यूट है, दिखाती हूँ ये, तो कलर इसका अच्छा लगा मुझे बहुत। और एक चीज़ बहुत अजीब सी भी है बहुत अच्छी भी है कि इन दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है, मतलब ये चप्पल पूरी अलग है और ये वाली पूरी अलग है, तो वहाँ पर जितने भी अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स थे ना सब में यही चीज़ थी कि दोनों स्लीपर्स में डिज़ाइन अलग था। तो मंदार भी मुझे बोल रहा था कि कहीं पर अगर चप्पल उतारेगी तो भूल मत जाना, वरना अब इसका पैर ढूंढूंगी तो वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पैर ये है। एनीवे, बहुत ही क्यूट है, यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, ऐसा कुछ कभी मैंने ख़रीदा नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी वहाँ से ख़रीदा। उसके अलावा कुछ नेल शेड्स भी ख़रीदे मैंने, वो भी रखे हैं कहीं, तो
तो बस ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। हम लोग जिस मॉल में गए थे वहाँ पर मिनीसो का जो आउटलेट है वो अभी नया खुला है, तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो बस ये कुछ 3-4 चीज़ें खरीदी और नॉर्मल वेट वाइप्स एंड ऑल वो सभी खरीदा वहाँ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अमेज़ॉन से मेरे लिए टॉप और मिंत्रा से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, तो वो आई थिंक आज या कल में मुझे मिल जाएंगे। तो अगर इसी व्लॉग में हुआ तो आप लोगों को दिखाऊंगी, अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी। ऑल्सो मैंने जैसा आपको बोला ये सारी चीज़ें, ये शॉपिंग भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड किया है। अभी जब ये व्लॉग आएगा तब मैं ऑलरेडी कर चुकी होंगी या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट वॉच आउट फॉर द शॉर्ट्स स्पेस फ्रॉम माई चैनल, और वहाँ पे जो भी मैं शॉर्ट्स देख डाल रही हूँ उसको भी आप लोग देखिए। एंड बस देखते हैं आगे, आज शाम को हम लोग क्या करते हैं, अगर बाहर गए तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। किचन में आ गई हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना काम के बीच में से मैं बार बार किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि किचन में इतने सारे काम होते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट में जो होता है वो कर करके फिर मैं वापस से अपने डेस्क पर चली जाती हूँ। तो मेरे पास ना ये एक कांच का ऐसा बॉटल है, इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस था, बहुत पुराना है ये डब्बा, तो इसको मैंने धो लिया है, ख़त्म हो गया था। तो ये बस इसका कागज़ निकाल के एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ तो करती हूँ, इसका अभी मेरे दिमाग में आया नहीं क्या करना है, बट इसका कुछ करना है, इसलिए इधर उधर जब से धुला है तब से यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो इसको पहले मैं निकालती हूँ एंड कोई तो इसके साथ मैं DIY करूँगी, और जैसे ही करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल वीकेंड है तो होपफुली कल सैटरडे है फिर संडे है, तो होपफुली शायद इस वीकेंड ही मैं कुछ करूँ इसका, मुझे टाइम मिलेगा वीकेंड पे। तो सो लेट्स सी, इसको ठिकाने लगा। मैं बना रही हूँ पास्ता। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि मैंने फर्स्ट टाइम पास्ता ट्राई किया है, और अगर अच्छा बनेगा तो मैं उसका रेसिपी शेयर करूँगी। तो अच्छा बना था, हम लोग काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर से बना रही हूँ। वो जो रेसिपी है वो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से इधर उधर देखा है, थोड़ा बहुत मन से भी अपना उसमें ऐड किया है, और ओवरऑल जो उसका आउटकम आया है मिक्स एंड मैच करके वो अच्छा आया है। तो आई थिंक फिर अब ये रेसिपी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि सेम स्टेप्स यूज़ करके, सेम चीज़ें यूज़ करके मैंने एक बार और बनाया था, दूसरी बार भी हम लोग को उतने ही अच्छा लगा। सो आई थिंक नाउ आई कैन शेयर द रेसिपी विथ यू ऑल सेफली, आप लोग ट्राई कर सकते हो और आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा। तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, भी वेजीज हम लेंगे उसको बहुत ही फाइनली चॉप करना है, क्योंकि बड़े बड़े पीसेज उसमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। क्या क्या वेजिटेबल्स मैं ले रही हूँ, कैसे क्या उनको चॉप कर रही हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ले लिया है एक गाजर ले लिया है, उसके बाद शिमला मिर्ची है मेरे पास, तो ये बहुत ही बड़ा पीस है तो मैं एक छोटा हाफ पीस ले लूँगी, थोड़ा सा और ले लूँ क्योंकि मुझे पसंद है शिमला मिर्ची। और थोड़ी सी बीन्स है, तो फ्रेंच बीन्स होती है वो, तो अब इन सभी को मैं एकदम बारीक बारीक काट लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हैं, तो प्लीज वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ये सारी सब्जियां अभी मैं चॉप कर लूंगी, आपने देखा शिमला मिर्ची चॉप कर ली है, अभी ये जो गाजर है इसको भी एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। और बस मेनली इसके अंदर जो टाइम टेकिंग है, मतलब ये कोई इतना टाइम टेकिंग है नहीं, बट स्टिल जो टाइम आपको लगेगा वो ये सारी सब्जियों को काटने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, अदरवाइज तो काफ़ी क्विकली ये बन जाता है। तो बस फटाफट से मैं ये काट लेती हूँ। हम लोगों को ना कभी भी पास्ता पसंद नहीं था, पसंद एज इन हम लोग खाते ही नहीं थे कभी भी, और वैसे भी चीज़ थोड़ा कम पसंद है, तो वाइट सॉस पास्ता जो होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था।
बट मैंने कहीं पे खाया रेड सॉस वाइट सॉस दोनों, और उसके बाद मुझे लगा मतलब वो इतना अमेजिंग था कि उसके बाद इच्छा हो गई खाने की, तो हमने फिर घर पे बनाया और इट टर्नड आउट सो वेल कि अभी तक 2-3 बार बना लिया है. एंड नाउ आई थॉट क्योंकि अभी 2-3 बार अच्छा बन गया है, मतलब अब मुझे जम गया है बनाना, तो मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकती हूँ. तो चलिए बस इसको फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ सारी वेजिटेबल्स को, फिर आपको बताती हूँ. तो ये लहसुन मैंने चॉप कर लिया है, इसमें कंजूसी मत करना, काफ़ी सारा लेना है. देखो मैंने भी बहुत सारा लिया हुआ है क्योंकि जितना ज़्यादा होगा टेस्ट उतना अच्छा आएगा. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. ये पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रखा था नमक डाल के, तो ये देखिए इस तरीके से अगर ये इजीली कट हो रहा है दैट मीन्स ये पक गया है, तो इसको बंद कर देंगे. कढ़ाई में हम अभी यहाँ पर तेल डाल देंगे और ये गर्म हो जाएगा. उसके बाद गर्म हो गया है ऑलरेडी, तो अब इसके अंदर मैं जो लहसुन हमने बारीक काटा था वो डाल रही हूँ, और ये जब तक थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तब तक हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे गैस के ऊपर. एंड थोड़ी देर बाद जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन टाइप होने लगेगा इसके अंदर हमने जो प्याज काटा है वो डाल देंगे. और मैंने एक प्याज लिया है इसके अंदर बारीक कटा हुआ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. और 1-2-3 मिनट के बाद इसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ मैं एक साथ डाल रही हूँ जो भी हमने काट के रखी थी. इसको अच्छा मिक्स कर देंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी क्योंकि उससे सब्ज़ियाँ थोड़ा सा जल्दी पकेंगी. तो ये मैंने नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला के मिक्स करके ढक के हम रख देंगे जब तक कि सारी सब्ज़ियाँ हमारी पक नहीं जाती. बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बट स्टिल एकदम कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए. तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और साइड बाय साइड मैं इसके अंदर कॉर्न भी डालने वाली हूँ. तो ये मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न रखे थे, ये मैं पानी में डाल के गैस पर मैंने इसको चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी. ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ थोड़ी थोड़ी पकने लग गई हैं बट स्टिल अभी भी कच्ची है, तो इसको थोड़ा और पकाना पड़ेगा हमको. अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर टमाटर की पेस्ट डाल रही हूँ. मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के थे, तो जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है. तो उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी, वो भी इसके अंदर डाल दिया है. इसके अंदर ज़रा सा पानी भी मैं डाल दूँगी और फिर इसको एकदम अच्छे से हम मिक्स कर देंगे. दस मिनट हो गए हैं लगभग और ये देखिए काफ़ी सब्ज़ियाँ अच्छे से पक गई है. अब ये जो कॉर्न था जो मैंने साइड में उबलने के लिए रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि वो भी पक गया है. इसको एकदम अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और इस पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट हो गया है. तो अब इसके अंदर हमको जो भी मसाले हैं वो डालना स्टार्ट करना है. सबसे पहले मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है, लगभग 1 छोटा चम्मच डाला है. टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम डाल सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं. ये रेड चिली सॉस है, ये मैं डाल रही हूँ. ये देखिए लगभग इतना, एक मीडियम साइज़ का जो स्पून होता है उतना डाला है. इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. मैंने इसके अंदर नमक डाला है, अब ये थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ. हमने काली मिर्ची भी डाली इसलिए थोड़ा ध्यान से डालना है, ज़्यादा ना हो जाए. और जो हमने रेड चिली सॉस डाला है वो तो खैर इतना तीखा नहीं होता है, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आता है उससे, बट क्योंकि काली मिर्च भी डाली है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए इसके अंदर मिर्ची. अब इसके अंदर मैं एकदम थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ, दैट्स इट. इसमें थोड़ा बॉईल आ गया है, सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड द पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा था. आई एम सॉरी क्योंकि पास्ता का मुझे कोई मेजरमेंट नहीं पता है कि कितना लेना है, मैंने एक अंदाज से लिया है. दो लोगों के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से, तो खैर ये कम ज़्यादा भी होता है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑल डिपेंड्स कि आप कितना बनाना चाहते हो. अभी इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर ढक के इसको कम से कम 15-20 सेकेंड के लिए रख दूँगी.
उससे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मेयोनीज। इसके अंदर चीज़ भी डलता है बट चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और मेयो भी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए देखिए बिल्कुल जरा सा डाला है मैंने। तो बस इसको अभी मिक्स करती हूँ। प्लस इसके अंदर जो मिक्स हर्ब्स होते हैं वो भी डालना है। मेरे पास ये है सैंडविच और पिज़्ज़ा, दोनों पर डाल सकते हो ये हर्ब्स, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। आई थिंक थोड़ा सा मेयो और डाल देती हूँ। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको टेस्ट किया तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। एंड आई नो बाज़ार में जो रेड सॉस पास्ता मिलता है ये दिखने में उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट टेस्ट में अच्छा है। एंड एज आई सेड, इसको मैंने अपने हिसाब से रेसिपी को चेंज कर दिया है, तो ऑथेंटिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है रेसिपी, बट ऑल गुड व्हेन इट टेस्ट्स गुड, राइट? तो बस वही एम है। ये हो गया है, इसको मैं भी ढक के रखूँगी थोड़ी देर और उसके बाद इसको गरम गरम ही सर्व करने के, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मंदार ने इसको टेस्ट किया एंड उसको लगा के थोड़ा फीका है, तो मैंने थोड़ा सा रेड चिली सॉस और डाला इसके अंदर अभी। तो ये रेडी हो गया है मेरा पास्ता एकदम गरम गरम। इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ। गरम है बहुत बट अच्छा बना है। और आप लोग इसको ट्राई करना, बाहर जैसा है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ता हम लोगों ने कभी खाया नहीं है क्योंकि हम लोगों को पसंद ही नहीं था, तो बट ठीक ठाक लग रहा है, मतलब घर पे बना है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस आई थिंक टीवी ऑन हो गया है, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करना, अगर ट्राई करोगे तो कॉमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं, और जिस तरीके से मैं रेसिपी बता रही हूँ तो वो समझ में भी आता है या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं समझने में। तो बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।